आदिवासी अपमान मामले में सुधीर चौधरी की हो रही थू-थू। आईआईटी बॉम्बे में सुधीर चौधरी का कार्यक्रम हुआ रद्द। अब कहां मुंह छुपाएगा सुधीर चौधरी। आदिवासियों के अपमान के आरोपी आज तक के एंकर और कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी की अब दुनिया भर में भद पिट रही है। लोग सुधीर चौधरी का नाम सुनकर ही गुस्सा हो जा रहे हैं। आलम यह है कि सुधीर चौधरी के पहले से तय कार्यक्रम भी रद्द हो रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के जिस कार्यक्रम में सुधीर चौधरी बोलने वाले थे उसमें सुधीर चौधरी को ही रिप्लेस कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधीर चौधरी को आईआईटी बॉम्बे के फ्लैगशिप बिजनेस कॉन्क्लेव ई समिट में इतवार को बोलना था, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आदिवासी होने पर भद्दी टिप्पणी करने और आदिवासियों का अपमान करने के कारण सुधीर चौधरी को कार्यक्रम में आने से ही रोक दिया गया। दरअसल आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने सुधीर चौधरी के कार्यक्रम में आने का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह दूसरे स्पीकर को बुला लिया गया। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और अब वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब वो कहीं माफी मांगते फिर रहे हैं तो कहीं उनके कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। दरअसल 31 जनवरी को सुधीर चौधरी ने आज तक के अपने प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग के दौरान उनके आदिवासी होने पर भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जिसके बाद वो माफी मांगते फिर रहे हैं। हम आपको सुधीर चौधरी का माफीनामा भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि सुधीर चौधरी ने आखिर क्या कहा था। सुधीर चौधरी अपने शो में कहते हैं, असल में सोरेन परिवार में आदिवासियों जैसा कुछ भी टच नहीं है। सोरेन परिवार एक शानदार लाइफस्टाइल जीता है। आप सोरेन परिवार को अगर देखेंगे, खासकर हेमंत सोरेन को देखेंगे, तो आपको वो आदिवासी वाला टच दिखाई ही नहीं देगा। आदिवासियों को न्याय दिलाने के नाम पर सोरेन परिवार सत्ता में आया था, लेकिन सत्ता में आकर दबकर भ्रष्टाचार करते हैं। ये प्राइवेट जेट से चलते हैं, महंगी गाड़ियों से चलते हैं। क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि ये गरीब है? क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? क्या सोरेन परिवार को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इन्हें आदिवासी होने का लाभ मिलना चाहिए? क्या SC ST एक्ट से इनकी शक्ति और बढ़नी चाहिए? क्योंकि ये देश के बड़े बड़े अमीर खानदानों से भी ज्यादा पैसे वाले हैं। ये आदिवासी नहीं बल्कि बड़े बड़े बंगलों के निवासी हैं। सुधीर चौधरी यही नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने अपनी साथी एंकर चित्रा त्रिपाठी से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हेमंत सोरेन के आदिवासी होने पर भद्दा कमेंट किया। उन्होंने कहा, चित्रा आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, आज उनकी रात कैसे कटेगी? हेमंत सोरेन को तो शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20-30-40 साल पहले अपने किसी आदिवासी के तौर पर जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, किसी आदिवासी के तौर पर जंगल में चले जाएं, ये शब्द आज तक के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी के थे। यूं तो दिन रात लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए पहले से ही बदनाम है, लेकिन अब वो हद ही पार कर चुके हैं। सुधीर चौधरी को लगता है कि दलित आदिवासी लोग ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना अच्छा खाना खा सकते हैं, ना महंगे फोन रख सकते हैं और ना ही महंगे होटल में रह सकते हैं। सुधीर चौधरी जैसे लोगों को, दलितों आदिवासियों को बस दयनीय हालत में देखना ही अच्छा लगता है, लेकिन अब आदिवासी समाज ने सुधीर चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रांची के थाने में आदिवासी सेना के लोगों ने सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत में लिखा गया, वर्तमान में झारखंड के राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। इस बीच में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे ये प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि देश के जुडिशियल सिस्टम के अभिभावक भी हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासियों को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रसित और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस घटिया बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं।
अतः थाना प्रभारी से निवेदन है कि सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार कर आदिवासी समाज को न्याय दिलाया जाए। देश के 12 करोड़ आदिवासी इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। आदिवासी सेना के महानगर अध्यक्ष अजीत लकड़ा ने पुलिस में शिकायत दी है और जल्द ही इस पर FIR भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि आदिवासी समाज लगातार सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। दिल्ली के मॉरिस नगर थाने में भी आदिवासी संगठनों की ओर से सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद से सुधीर चौधरी बैकफुट पर हैं। उसने ट्विटर पर माफीनामा शेयर करते हुए लिखा, आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं, इससे मुझे बहुत दुख है और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है, जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है। उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे TV कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति तो जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूँ। जय जोहार। लेकिन सुधीर चौधरी के माफी मांगने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने पूछा कि आदिवासियों का अपमान TV पर किया, लेकिन माफी ट्विटर पर मांगी जा रही है। लोगों ने मांग की कि सुधीर चौधरी को TV पर अपने शो में पूरी दुनिया के सामने अपना माफीनामा पढ़ना चाहिए। साथ ही लोगों ने यह भी मांग की कि सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब देखना यह है कि क्या सुधीर चौधरी इस मामले में गिरफ्तार होते हैं या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।